हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में सीक्रेट एलईडी लाइट को अप्लाई कर सकते हो। ये एलईडी लाइट दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा गुड लुकिंग लगती है। अगर आप इसको अपने एंड्रॉइड डिवाइस में अप्लाई कर लेते हैं तो कोई भी मैसेज वगैरह आपके फोन पे जब भी आएगा तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से सीक्रेट लाइट ब्लिंक होगी, जो देखने में काफी ज्यादा मजेदार लगती है। और इसमें तक काफी सारे एनिमेशन है, तो एक एक एनिमेशन में आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फुल डिटेल में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको वीडियो को बस पूरा देखना है और जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विवेक टेक ऑप्शन चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इस एलईडी नोटिफिकेशन लाइट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है ट्रू एज नोटिफिकेशन बड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसको हमें अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। लिंक मैं आपका इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बड़े इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे फोन के अंदर हो चुका है डाउनलोड, अब हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद कुछ हमसे परमिशन मांगेगा, तो वो सारी परमिशन हमको एक एक करके अलाउ करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी परमिशन स्किप मत करना, नहीं तो ये आपके फोन में अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के इंट्रो में जरूर देखा होगा, ठीक है, किस तरीके से हमारे फोन में ब्लिंक कर रही थी। तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वहां पर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहां से अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको एक अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद देन यहां से आपको ट्रू एज करके एप्लीकेशन को ढूंढना है और यहां से आप उसको परमिशन दे देनी है। देन परमिशन देने के बाद आपको फिर बैक आना है, फिर आपसे नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा, इसको भी हमको अलाउ करना है। और देन यहां से ट्रू इसको जाके ऑन करके इसको भी हमको परमिशन देनी है। फिर देन हमको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमारे फोन में सारी परमिशन हमने अब दे दी है, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ यहाँ से फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या ये फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, और हमको कैसे एनिमेशन अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्विस देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इसमें काफी सारी आपको सर्विस देखने को मिल जाती है फॉन्ट्स वगैरह की, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस है एनिमेशन को लगाना, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाना है, और नोटिफिकेशन में जाने के नोटिफिकेशन विश लिस्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको ये नोटिफिकेशन किस एप्लीकेशन पे चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन आपके फोन में होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, जो जो आपको चूज करनी है उसमें आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको व्हाट्सएप में करनी है तो मैंने व्हाट्सएप को अप्लाई कर दिया है, और देन यहाँ से मैं बैक आ गया, तो ये हमारे फोन में सेव हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एनिमेशन, एनिमेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक ऐड आएगा उसको स्किप कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एज मोड, एनिमेशन स्टाइल, सेट टाइमर, ठीक है, एज सेटिंग, यहाँ पर आपको काफी सारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एनिमेशन स्टाइल में जाना है, और यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्टाइल के काफी सारे एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप आराम से सेलेक्ट करके इजिली तरीके से आप अपने फोन के ऊपर अप्लाई उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के इंट्रो में मैंने ये वाला लगा रखा था, ठीक है, ये हो गया है। और काफी सारे यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये भी कितना अच्छा एनिमेशन लग रहा है। तो इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये पे क्लिक करना, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद देना आपको सेव पे जाना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन मांगेगा रिवॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए, अनलॉक और व्यू एड। तो अनलॉक आप करोगे तो वो पेड वर्जन है, यहाँ से आपको एक एड देखना है, वो पूरा वॉच करना है, पूरा से आप एड वॉच कर लोगे ये आपका एनिमेशन अनलॉक हो जाएगा, देन आपके स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड की वो आएगी एड, उसको पूरा देखना आपको, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारे फोन के अंदर अप्लाई हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हो रिवॉर्ड गारंटेड आ गया है, ठीक है। यहाँ से अब हम इसको स्किप कर देते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो भाई, लाइक तो फ्री में है, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, उसमें आपका हाथ नहीं दुखता, प्लीज दबा दो, एक मोटिवेशन मिल जाता है हमको, ठीक है। तो अभी ये अप्लाई हो चुका है आपके फोन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आप एनिमेशन का टाइम कितनी देर का लगा सकते हो, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, वो अपने हिसाब से आप सेट कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको कोई जरूरत नहीं है, 30 सेकंड का ये बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप कैंसिल कर देना, और आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने एप्लीकेशन वैसे सेलेक्ट कर लिया वहां से कि हमको किस नोटिफिकेशन पे चाहिए। अब मैं आपको उसको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं लॉक। अब अपने इस दूसरे फोन से हम यहाँ पर मैसेज करते हैं, ठीक है, इस फोन पे। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज करा,
तो आप देख सकते हैं WhatsApp का ऊपर लोगो बन के आ गया है, और देन यहाँ से आप देख सकते हैं अब नोटिफिकेशन पे इस तरीके का एनिमेशन चल रहा है जो काफी ज्यादा देखने में कूल लुक का लग रहा है। तो इस तरीके से आप और भी नोटिफिकेशन जो आपको अच्छा लगे एनिमेशन वो आप चूज कर सकते हैं वहां पर जाके, और काफी सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।